तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उपायुक्त निपुण जिंदल ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उपायुक्त ने धर्मशाला में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर और 10 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर और साथ ही आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तृत से जानकारी दी है। सुनवाते हैं जरा। नमस्कार, इस टाइम मौजूद है हम जिला कांगड़ा के उपायुक्त कार्यालय में, जहाँ पर हम बात करेंगे अपने कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल जी से। विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से वे अपने कार्य करते हैं। तो निपुण सर, आपका एएनवी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम जानना चाहते हैं कि कांगड़ा जिला एक सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पे मैक्सिमम जो है कि देखा जाए कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, 10 जून को राष्ट्रपति आने वाले हैं, शिखर सम्मेलन भी है। अपना काम करने के अलावा आप किस तरह से इन सब कामों को निपटाते हैं, कि आपको कई दिक्कतें आती होंगी प्रशासन में, किस तरह से? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़िला कांगड़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे बड़ा ज़िला है और अभी हमारे पास यहाँ पे 14 SDMs हैं। अभी हाल ही में 2 और जो सब डिविजनल कार्यालय हैं उनका भी जो घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और यहाँ पे ब्लॉक्स जो हैं इस समय 16 ब्लॉक्स जो हैं वो डेवलपमेंटल ब्लॉक्स कार्यरत हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जो अच्छी टीम मैं कहूँगा ज़िला कांगड़ा के अंदर इस समय कार्य कर रही है, चाहे वो SDMs हो चाहे वो BDOs हो। और साथ ही साथ ये भी आपने ठीक कहा कि यहाँ पे जो काफ़ी VVIP विजिट्स आगामी कुछ आने वाले दिनों में लाइंड अप हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने कॉन्वोकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की 10 जून को, उसके लिए धर्मशाला का उनका जो दौरा है वो प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पे पहली जो हमारी देश स्तर की एक बैठक है माननीय प्रधानमंत्री और सभी मुख्य सचिव विभिन्न राज्यों के, वो धर्मशाला के अंदर जो वो उस बैठक का आयोजन होना तय हुआ है। ये 16, 17, 18 जून को ये बैठक यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक G20 का भी जो हमारे समिट है उसको नेक्स्ट वर्ष के लिए पूरा भारत जो है उसको होस्ट कर रहा है और उसके लिए लगभग 33 लोकेशंस ऑल ओवर द कंट्री चूज़ की गई हैं, जिसमें धर्मशाला भी एक लोकेशन है। उसमें भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक हाई लेवल डेलीगेशन है वो यहाँ पे विजिट कर चुका है और यहाँ पे जो तमाम सुविधाएं हैं उनकी समीक्षा करके वो जो डेलीगेशन है जा चुका है। और इसके उपरांत 2-3 सप्ताह के बाद वो हमें कंफर्म करेंगे कि वेदर धर्मशाला के अंदर G20 की कोई मीटिंग जो है वो आयोजित की जाने की नहीं। तो ये सब तमाम कार्य हैं, परंतु साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, लैंड रेवेन्यू के कार्य हैं, वो भी साथ के साथ जो टीम द्वारा, जो उपायुक्त कार्यालय की टीम है उसके द्वारा किए जा रहे हैं और उसमें भी कोई विलम्ब जो है वो नहीं किया जा रहा है इन सभी विजिट्स के चलते। जिन साहब, हम थोड़ी जानना चाहते हैं कि जब भी कोई VIP आता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहा, राष्ट्रपति जी आ रहा, तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंता रहती है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरह से कांगड़ा एयरपोर्ट से उनको लाया जाएगा, जहाँ पे वो ठहरेंगे, तो किस तरह से मतलब ये तैयारी होती है? देखिए, इसमें जो हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है उसके साथ पूरा समन्वय जिला प्रशासन का रहता है और जो जो तैनाती है, सेक्टर्स को बांटने की बात है, डिप्लॉयमेंट प्लान है, वो हम 1-on-1 करते हैं। जैसे कोई हम सेक्टर्स बनाते हैं किसी भी VVIP मूवमेंट के लिए, तो उसमें जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके साथ एक मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय किया जाता है और साथ ही साथ उनके जितने भी बल उस सेक्टर में तैनात की जाती है उनमें